देखो जी तीन बंदियां दे गोली बजी है। सुखबीर सिंह जी बादल जेड़े जेड प्लस प्रोटेक्टी है उन्हां दी गड्डी ते सिर्फ इसलिए हमला किया गया क्योंकि वह कागज दाखिल कराउण म्युनिसिपल कमेटी दी चोणां च जलालाबाद दे कागज दाखिल कराउण उत्थे आ रहे सी। पुलिस नूं पहलां तों उन्हां दा प्रोग्राम गया होया सी। हुण कागज दाखिल कराउण सुभाविक है SDM दे दफ्तर जाणा, उत्थे सिक्योरिटी किने देनी है? सरकार ने देनी है, रिटर्निंग अफसर ने देनी है, जिला प्रशासन ने देनी है, किसी ने नहीं देनी। क्यों नहीं उन्होंने क्यों नहीं ध्यान दिता? गुंडे पहला उत्थे पहला तो मौजूद सन, इट्टां दा प्रबंध, वैपन दा प्रबंध, लाठियां दा प्रबंध दूजे मुल्कां नाल आपदे मुल्क नूं वार ते जांदे असीं सब ने वेख्या, मगर अपनियां नाल वार ते जाणा मैं तां पहली वारी वेख्या। जिस तरीके दा उत्थे ओह किन्नां गड्डियां जा रहियां, ओह चार चार ओह जिहड़े ब्लॉक्स लाई जा रहे आ सीमेंट दे, जो कुछ कीता जा रहा, इस द नेशन एट वॉर विद इट्स ओन। अपने किसानों नाल एट वॉर कि कांग्रेस चोणां तो भज रही है। कांग्रेस नूं भी ये गल की समझ है कि चार साल असी कुछ नहीं किया, एक वायदा नहीं पूरा किया, लोगों नूं गुटका साहब की सहु खा के लोगों नूं झूठ बोलिया। हुण वोटां कम्मां दे आधार ते तां पैणियां नहीं, लोगों नूं डरा धमका के डेमोक्रेसी का मर्डर करके कांग्रेस चाहती है कि असी आ लोकल बॉडी कारपोरेशन की इलैक्शन जित जाए। मेरे को इतों तक खबर है कि पेट्रोल बंब तक की तैयारी सी, वो तो रौला इन्ना पै गया कि वह घबरा गए कि आपकी पूरी कार्रवाई को अंजाम नहीं दे सके। फायरिंग हो गई, बंदियां दे गोली लग गई, परमात्मा का शुक्र है कि वह बंदियां दी जान बच गई है, मगर ये कैप्टन अमरिंदर सिंह के वलों जी गुंडागर्दी कराई जा रही है, फैलाई जा रही है, जो लॉलेसनेस पंजाब च फैलाई जा रही है, ये पंजाब का अक्ष, पंजाब च निवेश, पंजाब के हालात बहुत बिगड़ते जा रहे हैं, ये अज स्थिति स्पष्ट हो रही। मगर श्रोमणी अकाली दल पिछे नहीं हटूगा, साढ़े कैंडीडेट वर्कर मरण नूं तैयार ने, मगर लोकतंत्र की बहाली वास्ते हर तरीके की कुरबानी और लड़ाई लड़ांगे। इस तरह जी कि बड़े समय तो जो पंजाब च हालात कांग्रेस की सरकार ने बनाए है, लॉ एंड ऑर्डर का जो फेलियर है वो सारी दे सामने है, सारिया दे बड़े लंबे समय तो ऑपोजिशन पार्टी ये गल कह रही है कि जेड़े स्टेट दे होम मिनिस्टर ने और मुख्यमंत्री साहब भी ने, चीफ मिनिस्टर साहब कैप्टन अमरिंदर सिंह, अज डेढ़ साल तो वध हो गया, वो आपदे फार्म हाउस तो नहीं निकले। जेड़ा स्टेट का होम मिनिस्टर होवे, स्टेट का मुखिया होवे, आपदे घर चो ना निकले तो लॉ एंड ऑर्डर के जो हालात फिर जो बनने वो सारिया के सामने। ये कोई पहली घटना नहीं, इस तो पहला डकैती दिया लुट दिया जेलों च बैठे गैंगस्टरां नूं हर तरीके की सुविधा मिलनी, मोबाइल फोन तो उन्होंने बर्थडे के केक कट्टे जाने, दिन दिहाड़े मर्डर होना, दिन दिहाड़े फरौती लई जानी, ये लॉ एंड ऑर्डर की बहुत वड्डी चिंता पैदा हो रही थी। अज थोड़े सामने है, पहला तो ये इलैक्शन डिले कीतियां गई, इलैक्शन कांग्रेस करा नहीं रही थी, जदों दबाव पिया तो इलैक्शन की डेट लानी गई। अज एक मर्डरस अटैक, एक उन्होंने जानलेवा हमला जे सबका डिप्टी चीफ मिनिस्टर ते हो सकता है, जेडे श्रोमणी अकाली दल के प्रधान भी ने, मुख सेवादार ने, जेड प्लस प्रोटेक्टी ने, कागज दाखिल कराउन SDM के दफ्तर गए है, तो जे उन्होंने अटैक हो सकता तो तुसी समझते हो किसी आम इंसान की जान माल की रक्षा किवें करूँ सरकार, उन्होंने की हालात होने। और हर जगह क्योंकि कागज दाखिल कराउण दा अज दा दिन है ते कल दा दिन, कल भी जो मेरे कोल खबर आई है कल भी जलालाबाद च ही गुंडागर्दी कांग्रेसियां ने कीती। मैं उही कह रहा इहदा स्पष्ट मतलब की है कि कांग्रेस चोणां तो भज रही है। कांग्रेस नूं भी इह गल दी समझ है कि चार साल असी कुछ नहीं कीता, एक वायदा नहीं पूरा कीता, लोकां नूं
गुटका साहब जी सौ खा के लोगों नूं झूठ बोलिया। हुण वोटा कम्मा दे आधार ते तां पैणियां नहीं, लोगों नूं डरा धमका के डेमोक्रेसी का मर्डर करके कांग्रेस चाहती है कि असी आ लोकल बॉडी कारपोरेशन दी इलैक्शन जित जाण। मगर श्रोमणी अकाली दल और पंजाब नाल प्यार करन वाले लोग, इंसाफ पसंद लोग, लोकतंत्र च विश्वास करन वाले लोग इस गुंडागर्दी के खिलाफ वड्डी तो वड्डी कुरबानी देण लई तैयार है। लड़ांगे मगर लोकतंत्र नूं बहाल रखांगे, क्योंकि यह बॉर्डर स्टेट है। देखो जिथे सारी घटना वापरी है वह पाकिस्तान बॉर्डर तो 20 किलोमीटर की दूरी पर, तो जे हालात बॉर्डर स्टेट के बने हैं, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के बने हैं, तो तुम आप हिसाब ला सकते हो कि हालात सूबे के सारे के बने हुए। देखो जी, 3 बंदियां दे गोली वजी है। सुखबीर सिंह जी बादल जेडे जेड प्लस प्रोटेक्टी है, उन्होंने गड्डी ते सिर्फ इसलिए हमला किया गया क्योंकि वह कागज़ दाखिल कराउण म्युनिसिपल कमेटी की चोणां च जलालाबाद के कागज़ दाखिल कराउण उत्थे आ रहे सी। पुलिस नूं पहलां तो उन्हां दा प्रोग्राम गया होया सी, हुण कागज़ दाखिल कराउण सुभाविक SDM के दफ्तर जाना, उत्थे सिक्योरिटी किने देनी है? सरकार ने देनी है, रिटर्निंग अफसर ने देनी है, जिला प्रशासन ने देनी है, किसी ने नहीं देनी। क्यों नहीं उन्होंने क्यों नहीं ध्यान दिता? गुंडे पहला उत्थे पहला तो मौजूद सन, इट्टां दा प्रबंध, वैपन दा प्रबंध, लाठियां दा प्रबंध। मेरे कोल तां इत्थों तक खबर है कि पेट्रोल बंब तक दी तैयारी सी। वो तो रौला इन्ना पै गया कि वह घबरा गए ते आपदी पूरी कार्रवाई नूं अंजाम नहीं दे सके। फायरिंग हो गई, बंदियां दे गोली लग गई। परमात्मा दा शुक्र है कि वह बंदियां दी जान बच गई है। मगर इहदे नाल कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों जिहड़ी गुंडागर्दी कराई जा रही है, फैलाई जा रही है, जो लॉलेसनेस पंजाब च फैलाई जा रही है, इहदे नाल पंजाब दा अक्ष, पंजाब च निवेश, पंजाब दे हालात बहुत बिगड़ते जा रहे हैं। ये अज स्थिति स्पष्ट हो रही है। आजाद निरपक्ष चोणां लई की मंग करोगे? देखो असी पहला ही सानू इन्हां गल्लां दा खदशा सी, ये नहीं असी रिलाइज़ किया सी कि इन्होंने मतलब SDM दे दफ्तर अंदर भी यह कुछ कर देना। असी पैरामिलिट्री फोर्सेस की मंग की सी, लिखती दे के आए सा इलैक्शन कमीशन कोल, और ये इलैक्शन कमीशन का भी बहुत वड्डा फेलियर जगपाल संधु साहब का है कि जे वो लोकतंत्र नूं नहीं बहाल रख सकते, जे विदाउट फेयर एंड प्रेजिडेंस बगैर किसी डर तो बंदा वोट नहीं पा सकता, तो फिर सुभाविक है लोकतंत्र दियां तज्जियां उड़ाउण ते फिर सब का रोल सामने आ रहा। देखो एक मेरी गल बिल्कुल, कांग्रेस की हार अपनी हार वेखदे, कांग्रेस की बखलाहट तदे पहला चोणां नहीं होण दित्तियां, ऑलरेडी चोणां साल तो वध डिलेड है, और चोणां जे हो रहियां ने, जे एक साबका डिप्टी CM ते इस तरीके नाल जानलेवा हमला हो सकता है तो सधारण बंदा सुरक्षित है जी? एक दुकानदार जां एक रेहड़ी लाउण वाला जां एक नौकरी करन वाला, उहदे च इन्नी हिम्मत है कि वह सरकार नूं टेक ऑन करके आपदी विदाउट किसी डर तो वोट पा जूगा। मैं मैं सर आही बेनती थोनू कर रहा, मैं उही गल कह रहा कि जे कागज़ दाखिल कराने लई DC SDM के दफ्तर च यह हाल है तो तुम समझ दो कि वोटा पै जाएगी 14 दिन च लोगों के नाल की कुछ किया जाऊगा? बिजली आए, बत्ती आए, आ वेट एंड मेजर आए, हेल्थ महकमे आए, हरेक तरीके ना पुलिस नू हरेक तरीके दे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। जेड़ा नहीं मानता इन्हां नू वोट पाउण नू, उहदी दुकान बंद, उत्ते बिजली दा रेड, उत्ते पुलिस दा रेड, उत्ते एक्साइज दा रेड, मतलब कोई काम कोई महकमा छड्या ही नहीं जिहदा रेड नहीं हो रहा। और जद श्रोमणी अकाली दल दे कैंडीडेटां नू नामजदगी दाखिल करन तो रोकण तो फेल हो गई सी कांग्रेस, अज आवला उहदा मुंडा उहदी मुंडे सामने उत्थे आ जिन्हें जाके सारी पहला तैयारी की। और तुसी वेखो जेड प्लस प्रोटेक्टी का सारा प्रोग्राम SSP साहब कोल सी, SSP साहब का फेलियर वेख लो कि सारा कुछ उत्थे इकट्ठा हो गया। वैपन कित्थों आ गए, उत्थे पत्थर कित्थों आ गए,
ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਸੀ? ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਫਿਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਔਰ ਫਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ? ਮਗਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੂਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਰਕਰ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਮਗਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਔਰ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਤਾ ਔਰ ਧਰਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆਵਲਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਗੁੰਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਭਿੱਖੀ ਮਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਫਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚ ਜੂ? ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ MP ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਚੱਲਣ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ MP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮਗਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੋ ਆਪਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਤੀ ਅੱਜ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਫਰੌਤੀ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਫੋਟੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਰਲ ਕੇ ਤਾਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਲਾ ਜਿਹਾ ਕਾਕਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 40 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਵਿਚਾਰੇ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ? ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਤਦੇ ਆ ਚਿੜੀ ਜਿੰਨਾ ਮੁੰਡਾ ਐਡਾ ਆਪਦਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ੋਰ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ 'ਚ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਲਕ, ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਸ਼ ਉਠਾਊਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਊਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦਾ। ਯਾਰ, SDM ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਜਿੱਥੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਹੋਣੇ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣੇ? ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ? ਉਹ ਦੂਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਕੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ, ਕਿਤੇ ਖਬਰ ਵੀ ਆਈ ਆ, ਸਿਵਾਏ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੱਕ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਮਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਮੈਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣ, ਆਪ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਮਗਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਰ, ਜੇ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ 'ਚ, ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਕੌਣ ਉਠਾਊਗਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਆਉਣ, ਮਗਰ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਤਾਂ ਗਏ ਆ ਆਪਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲਾ ਛੱਡਤਾ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜੰਗਲ 'ਚ ਮੰਗਲ ਹੋਇਆ ਖੜ੍ਹਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟੇਟ ਚੱਲਣਾ? ਚਲੋ, ਹੁਣ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਕਲੀਅਰਲੀ 4 ਸ਼ੋਟਸ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਰਚਤਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਲੁਕਾਉਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਮਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। SDM ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ? ਫਿਰ ਹੋ ਚੱਲੂ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਦੇਖੋ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ
देश के गृह मंत्री नूं चिट्ठी लिख रहे हैं कि माहौल खराब हो सकता है तो आप ही मान रहे हैं कि मैं फेल हाँ कि मैं नलायक हाँ मैं पंजाब के लोगों का ध्यान नहीं रख सकता क्योंकि मैं आराम प्रस्त मुख्यमंत्री हाँ। वो गल तो जो मैं कह रहा जा जो लोग कह रहे हैं तो मुख्यमंत्री आप भी मनी जान दिया वो गल तो स्पष्ट ही है जी। जिहड़ा बंदा आपदे दफ्तर ना जावे लोगों की सार ना लवे उन्हूं की पता एक फोन तो लाइव होने नाल एतवार दे एतवार एक दिन चलती है सरकार वह भी घंटे आ एक वन आवर वास्ते लाइव होंदे आ मनमर्जी के सवाल आउंदे उहदे चार जवाब दे के समझदे कि जी मैं स्टेट नूं ये वन गवर्न करता। ये रिग्ड इलैक्शन होनी है जी। फिर इलैक्शन तो होनी लोगों की इलैक्शन नहीं होनी ये फिर कांग्रेसियों की धक्केशाही गुंडागर्दी कांग्रेस बूथ कैप्चरिंग यही कुछ होना। जे नॉमीनेशन वेले हाल है जे कांग्रेस ने काम चंगा किया तो घबराउंदे क्यों ने। मैं कहना विरोधियों के कागज आप जाके दाखिल कराउण चुनाव के मैदान च फैसला लोग कर देंगे मगर ये उदों हालात पैदा होंगे जब कांग्रेस को अपनी कमजोरी सामने दिसी। तुसी समझदे हो यार जिहड़ा बंदा दो दो महीने जी दे दर्शन ना होण आपदे वजीरां नूं ना लद्दण ये ऑल पार्टी मीटिंग कल्ला ते कल्ला भाजपा नूं दिल्ली च खुश करन वास्ते सद्दी है। ये जिहड़ा ये देखो बड़े अफसोस नाल कहना पैंदा गल तां अज वैसे गल बड़ियां होर करनियां सी अज गल होर पासे नूं चली गई है क्योंकि ये जिहड़ा लोकतंत्र दे उत्ते जो अज हमला होया मगर बीजेपी दे दिल्ली दे इशारे ते तां सारे काम कांग्रेस दी सरकार पंजाब च दिल्ली दे जिहड़े साडे किसान बैठे आ उहनां दी हक दी गल नहीं कर रही उहनां दे उल्ट रल के तेंद्र दी सरकार नाल इत्थे गल्लां कर रही है। बड़े अफसोस नाल कहना पैंदा है 122 बंदे जिचे कई 80 साल ने कई 18 साल के ने 20 साल के ने वो अंदर दिते हुए उन्होंने बेचारे की गलती की है तो आपकी जिंदगी मौत की रोजी रोटी की लड़ाई लड़ रहे किसानी की और उन्होंने खबर ही किसी नहीं। और मैं थानू जी दूजी गल कही अज मैं आपकी सारी टीम ना दिल्ली गल की क्योंकि असी कई केस लड़ रहे हैं और रणजीत सिंह भी देखो एक गुरु के सिख नाल अमृतधारी सिंह की पुलिस की वह फोटो थानू 84 नहीं याद कराती जिथे वो दाड़े ते वो केसा की बेअदबी जिस तरीके दाड़े ते पुलिस वाले ने पैर रखे कि वह पुलिस लॉ एंड ऑर्डर लागू कर रही है कि पुलिस लिंचिंग आप कर रही है और उस शख्स बाकियों साडे एम पी साहबान मिलना चाहते सी भैन जी हरसिमरत कौर बादल जी सुखबीर जी साहब मनजिंदर सिंह जी हले तक उन्होंने मिलन नहीं दिता गया। अज कोर्ट ने नोटिस ले लिया इस गल का मगर जेल किदे कोल है प्रशासन सारा आम आदमी पार्टी कोल दिल्ली च वो क्यों नहीं मिलन देन दे रहे क्योंकि फिर गल रली है दिल्ली नाल। सो ये जिहड़ा सारा माहौल क्रिएट किया जा रहा किसानी का एड्डा वड्डा संघर्ष चल रहा है उसनू टॉरपीडो करने वास्ते जो फोर्सिस चल रही वो बड़े अफसोस की गल है। मगर अज मैं गल तो नहीं जाता अज साडा मेन मकसद सी साडे आ जिहड़ा अज इंसीडेंट होया दूजा मैं थोनू ता याद किया कि साडे इत्थों तीन परिवार ने जिहड़े इस अंदोलन च आपदी वडमुली कुरबानी दे गए एक तो सर मंगल सिंह सन रूपो वाली खुर तो मेरे हल्के तो उन्होंने इत्थे बार बार वो जाके भाजपा के लीडर के घर बैठते सन धरना देंदे सन हकी मंगा लई उन्हां दी डैथ हो गई उन्हां दे परिवार वास्ते नाल ही साडे रतन सिंह जी बजुर्ग बापू जी 85 साल की उन्हां दी उम्र सी उन्हां दा काका एक्स सर्विसमैन एक्स फौजी है वो उन्हां दे बजुर्गों की कुछ समा पहला ही कोटली ढोले शाह पिंड तो डैथ हुई है उन्हां दी मदद वास्ते ते नाल ही एक साडे गगड़ेवाल पिंड तो कुलवंत सिंह हुरी ने उन्हां दी मदद वास्ते असी मैं बड़ा धन्यवादी हाँ कि श्रोमणी अकाली दल की जिहड़ी साडी टीम है NRI विंग वाले वीर वो सारे साढ़े साथ तारा सिंह जी साडे श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर उन्हां दे सुपुत्र साहब बलदेव सिंह जी उन्हां दे नाल साहब पाल सिंह जी खलील साहब साहब हरविंदर सिंह जी ये सारिया ने अपने कोलों एक एक लख की मदद
एक सत्कार वजो जिन्हें भी साढ़े पंजाबी वीर आ उन्हां वल्लों इन्हां दे परिवारां दे वास्ते लैके आए हैं। सो अज जो प्रोग्राम सी वह भी थोड़े अगे वो परिवारां नूं भी मिलावांगे और उन्हां दी मदद भी करन वास्ते इत्थे आए हैं। इसलिए मैं इन्हां सारे भरावां दा अपने सा तारा सिंह जी का सा बलदेव सिंह जी का पाल सिंह जी का सा हरविंदर सिंह जी का इन्हां दे साथी साहिबाना का जिन्हां ने वाकई किसानी संघर्ष बड़बला योगदान पाया उन्हां दा भरावां दा NRI वीरां दा दिल दीआं गहराइयां चों धन्नवाद करदा। सुभाव जिहड़े उत्थे मोर्चे ते डटे आ उन्हां ने विचारियां ने कित्थों वापस आउणा। ये देखो ये सा दो तीन चीज़ां कैप्टन साहब ने बड़ी शरारत नाल कीतियां ने और कीतियां सिर्फ दिल्ली दे केंद्र दे BJP दे इशारे ते। स्कूल कॉलेज खोले वो सिर्फ इसलिए खोले कि जी सब उधर ना जान दिल्ली दे बार्डर ते इत्थे फस जान। इलैक्शन जे तुसी साल भर नहीं कराइया तो दो महीने होर गां पा देंदे। मगर असी ओपोजिशन पार्टी ने एक बारी गल कही असी बार बार नहीं ये गल कही क्योंकि कांग्रेस नूं एक बहाना चाहिए सी कि ये चोणां तो भजदे आ। मगर ये असलीयत हो गई कि चोणां नूं विच रखना जदों एडा वड्डा संघर्ष चल रहा होवे देश दा ये सारा कुछ एक रली मिली भुगत कैप्टन अमरिंदर सिंह दी दिल्ली नाल है वो सामने आउंदी है। जे तुसी साल भर नहीं कराई तो हुण कहड़ी आफत आ गई सी। जे तुसी एडे चिंतित सी इलैक्शनां वास्ते फिर साल पहला करा लैंदे। डेढ़ साल तो ड्यू है कदों दी ड्यू है इलैक्शन। सो ये कई गल्लां ने और चलो संघर्ष भी बड़ा जरूरी है जी क्योंकि पंजाब एक एग्रीकल्चर इकानमी है देश एक एग्रीकल्चर इकानमी है और संघर्ष कामयाब होना चाहिए। कल असल जो ना अज मौका नहीं वो वीडियो चल रही है तुम वेखी है ना दोवें कांग्रेस MP की थले कई आखी जाते अतरो चतरो दी की करी जाते उ मैं इस तरह लोगों को मूर्ख बनाऊंगे जी। जेडे वो MP बैठे आ मैं कहना नहीं चाहता चलो सारे सत्कारयोग है शाम नूं उत्थे मुर्गा पैग की कुछ नहीं चलता। मतलब तुसी वेख्या ही है पत्रकार साड़ी भैन नाल बदसलूक की बाकी की कुछ होया कि उन्हां दे बारे जिन्नी घट गल की जाए उन्नी चंगी और BJP जो कहिंदी आ उही ये कुछ कहिंदे। भाजपा दे भी पहला कहिंदे सी तां दलाल ने जी किसान नहीं है फिर कहिंदे सी अरबन नक्सल है जी फिर कहिंदे सी जी नहीं जी तां पाकिस्तान ते अमरीका दे अपना चीन दे एजेंट ने जी फिर कहिंदे सी इह बचोलीए है जी उही कुछ इन्हां दे कांग्रेस दे MP कही जांदे खालिस्तानी ने। हुण इन्हां दी जिन्नी घट गल की जाए उन्नी चंगी आ। वो तो दिल्ली बैठे उन्होंने खुश रखना दिल्ली की सरकार नूं करन आपदा काम जिहड़ा कर। देखो एमरजेंसी वाली सिचुएशन इंदिरा गांधी की अज पैदा की जा ये डिक्टेटरशिप। मैं दूजे मुल्कां नाल आपदे मुल्क नूं वार ते जांदे असी सब ने वेख्या मगर अपने नाल वार ते जाना मैं पहली बारी वेख्या। जिस तरीके का उत्थे वो किलां गड्डियां जा रही वो चार चार वो बुल वह जेडे ब्लॉक्स लाई जा रहे सीमेंट दे जो कुछ किया जा रहा इज़ द नेशन एट वॉर विद इट्स ओन अपने किसानों नाल एट वॉर है। बड़ी बड़ी चिंता की गल है ये कोई गल चंगी नहीं। जब 70% लोग इस गल तो आहत ने तो इस गल नूं एड्रैस करना चाहिए। इस तरीके का रवैया वतीरा कोई ट्विटर हैंडल ब्लॉक कर दौ पत्रकारा नूं अंदर दे दौ। पत्रकारा ने बेचारिया ने सही गल दसी उन्होंने तो जे सरकार चंगी गल करती है वह भी दसते हैं जे सरकार गलत काम करती है लोगों नाल धक्का कर रहे तो पत्रकार का धर्म वह भी है कि वह भी दसना उन्होंने अंदर देता फड़ के कई सडेशन के चार्ज लाते। ये सारी चीज़ा तो इंदिरा गांधी के एमरजेंसी वेले असी तो निके निके सी उदों ही ये गल्लां सुनिया सी जां अज देख रहे देखो। अज पार्टी की मीटिंग होनी है जी शाम उसके बाद की सारी रणनीति है वो थोड़े सामने कल तक आई जाऊगी। मगर ओबियसली असी आपकी जान माल की रख्या लोगों की जे सरकार फेल हो गई है तो उन्होंने जो लोकतंत्र बहाल रहे वो तो हर तरीके की लड़ाई लड़ांगे सार बादल इन्ने चिर दे लड़ वो भरावा मेरे वालों मैं नहीं ये फैसला कर सकता ये तो पार्टी फैसला कर सकती है। असी तो गुरु की बख्शिश नाल चोन लड़ांगे भी और कांग्रेस की धक्केशाही का डटवा जवाब देवां खलोवांगे। ये कांग्रेस की 20 टीम वांगू मैदान छड के नहीं भजांगे असी खलो के लड़ांगे। बजट बारे की कहोगे जी बड़ी आसा उम्मीदा सी बजट तो सारा कुछ नहीं मिल दिता जी
ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਐਡੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਬਜਟ 'ਚ ਦੀਵਾਨੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਹਲੇ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੋਇਆ। 20,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਛੱਪਰ ਛਾਪਤੀ ਕਿ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਧਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਧਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਤਰਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਬਜਟ ਕੀ ਪੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 1,72,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਜੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ? ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, 23 ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ MSP ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਵੇਖੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਅੱਧੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛ ਜਾਣੇ, ਸਵਾਦ ਸਾਰੇ ਲੈ ਜਾਣੇ ਆ, ਅੱਧਿਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਆ ਛਪਣੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਖਬਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਜੀ? ਟੈਬਲੇਟ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਬਲੇਟ 'ਤੇ ਕਰੋ, ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਕਰੋ, ਨੀਅਤ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ, ਹੋਰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਟੈਕਸ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਵਧਾ ਤੇ, ਅਤੇ ਹਲੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 4 ਵਾਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਲੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸੱਪ ਕੱਢਣਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ, ਮਤਲਬ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਐਡਰੈਸ ਤਾਂ ਇਸ਼ੂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਸੋ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਉਹ ਆ ਜਿਹਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਗਲਵਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ 47 ਤੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੇ ਸ਼ਹਿ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ 307 ਉੱਤੇ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੋਆ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਦੇ ਘਰੇ। ਗੋਆ ਤਾਂ ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ, ਘਾਹ 'ਚ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਬੂਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਖਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ 307 ਕਾਹਦੀ ਲਾਤੀ? ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3-3, 4-4 ਅਫਸਰ, ਇੱਕ IG ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ SSP ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਮੰਨ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਦ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਲੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਆਓ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਜਾਓ ਰਤਨ ਸਿੰਘ, ਮੰਗਲ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਲੀ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜਾ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਗਗੜੇਵਾਲ ਤੋਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰ ਰਤਨ ਸ਼ੌਹਰਾ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜੀ, ਇਹ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ।